हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षा इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमारा चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे वो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। नया टॉपिक जो शुरू करना है, जो हमारा सेवेंथ पार्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम कहते हैं आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा लास्ट टॉपिक में भी कई बार इसका जिक्र कर चुकी हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि किसी भी प्लांट को या फिर एनिमल को, बेसिकली हम ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं यहाँ पे, ये इंस्टेड ऑफ टेकिंग नेम एज अ प्लांट और एनिमल, हम ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब रिप्रोड्यूस करना है, तो रिप्रोड्यूस करने के लिए देर आर सम वेज, सम मेथड्स, कुछ वेज हैं, कुछ मेथड हैं, कुछ मीन्स हैं जिसके थ्रू हम रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को सेट करने का, मेंटेन करने का काम करते हैं। और जब भी आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इस रिप्रोडक्शन को कराने के बहुत सारे हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं। यही वेरियस मेथड में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड इज़ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमने पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, और मैंने आप लोगों को हेडिस कैटेगरी में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए थे। उन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें एक इम्पॉर्टेंट मेथड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी आता है। एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो सिंपल यूनिसेलुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर परफॉर्म करवाया जाता है, और इसके साथ हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का काम करते हैं। लेकिन जब भी आप बात करते हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पहली चीज़ तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्या करने का, रिप्रोड्यूस करने का, जिसमें हम सिंगल पेरेंट को, या फिर सिंगल पेरेंट ही कह सकते हैं, सिंगल पेरेंट को इस्तेमाल करके और एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करवा देते हैं। तो वो जो एक पेरेंट को इस्तेमाल करके, या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट को इस्तेमाल करके हम जो रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और उसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व, अगर आप डुअल पेरेंट को इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो सेक्सुअल बन जाता है। लेकिन एक ही पेरेंट है, एक से दो में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बल्कि उसका ही कोई बॉडी पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवा दे, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। मतलब बेसिकली इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव यूनिट ऑफ द प्रोपेग्यूल्स। मतलब आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करेंगे तो ये क्या है आपका, एक वो फॉर्मेशन है, मतलब सिंपल आप डेफिनेशन में ही बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। डेफिनेशन क्या है, इट इज द एनी टर्म यहाँ पे कनेक्टेड है नोड से, बड से, वही वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। मतलब मैं इसको बोल सकती हूँ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। सबसे इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो टर्म मुझे देना है वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल समझाना है आपको। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या पार्ट है, ये वही पार्ट है हमारे प्लांट का जो कि एक नए प्लांट को ग्रो करने के लिए कैपेबल होता है। तो वो प्लांट का पार्ट जो एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है, वही पार्ट हमारा क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझाऊँ तो ये क्या है, इट इज़ दैट मेथड इन विच द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव यूनिट।
टेक्स प्लेस. वेजिटेटिव यूनिट क्या है? बर्ड्स हैं, ट्यूबर्स हैं, राइजोम्स हैं, नोड्स हैं, कोई भी पार्ट हो सकता है. मतलब अब इस मेथड के थ्रू हम एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत इजीली ग्रो करा सकते हैं. मैंने सेकंड पॉइंट क्या बोला? नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस थ्रू दिस प्रोसेस. नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस बहुत सारे प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं इस मेथड के थ्रू. मतलब अगर आपको एक एक छोटे टाइम में बहुत सारे क्लोन की ज़रूरत है, क्लोन की ज़रूरत है मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे, क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जितना मेंबर यहाँ बनता है वो पेरेंट से आइडेंटिकल होता है. तो जब भी आप पेरेंट से आइडेंटिकल नेचर बनाते हैं तो वो क्या बनता है? आपका क्लोन बनता है. तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि जितने मेंबर बनेंगे दे विल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर, सब एक दूसरे से क्या होंगे? सिमिलर होंगे. और यही जो सिमिलैरिटी मेंटेन होती है, ये सिमिलैरिटी हमारा एसेक्सुअल मोड है इस वजह से मेंटेन होती है. और जो मेंबर बना वो क्लोन है, और जो डिवीज़न होता है वो डिवीज़न बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. तो आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी कैन ग्रो क्लोन्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के क्या बना सकते हैं हम? एक छोटे से पीरियड में, एक छोटे से टाइम पीरियड में प्लांट्स के कई सारे क्लोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं. क्लियर? इसके साथ साथ ये बेसिकली प्योरिटी को प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि भाई क्लोन बन रहा है तो क्लोन बनने का मतलब है दे विल बी आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट. और जब पेरेंट के लिए पेरेंट्स आइडेंटिकल है तो पेरेंट्स आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ कि ये जो मेंबर हैं आपके, ये मेंबर आपके कैसे होते हैं? ये मेंबर हमारे सिंपल कह सकते हैं हम प्योरिटी को सेट करने का काम करते हैं. क्लियर? प्योरिटी मेंटेन हो रही है, प्योरिटी सेट हो रही है. आगे बात करें तो ये रेजिस्टेंस बना देता है. मतलब बेसिकली एक क्वालिटी जो है वो अच्छी मेंटेन हो गई, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो हमारे टोटल दो टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं. मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो आपका नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पहला बात करते हैं हम नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. जिसको हम एक दूसरे नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर. तो हमारे पास एक तो नेचुरल मेथड है, जैसे भाई बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्सुअल यूनिट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो जब सेक्सुअल यूनिट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते हैं, देन हाउ दे रिप्रोड्यूस, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो उसका मेथड है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. मतलब हमारे नेचर ने भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जो मेथड्स हैं वो सेट कर रखे हैं, बना रखे हैं. जैसे आप डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे मैंने बोला कि किसी भी एक नए प्लांट को ग्रो करना किसी भी पुराने पार्ट से हमारा क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है. तो प्लांट का कोई भी पार्ट लेके एक नया प्लांट बना देना इज़ नॉट दैट टफ, या फिर एक नई चीज़, पुरानी चीज़ यहाँ पर नहीं है. मतलब हम जब भी बात कर रहे हैं आपके प्लांट से एक रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने की, एक ओल्डर पार्ट से रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने की, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आपका प्लांट ग्रो करेगा
तो किसी भी ओल्डर पार्ट से ग्रो कर जाएगा, इजीली ग्रो कर जाएगा, बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना पड़ता, और जो मेंबर बनता है वो क्लोन बनता है। अब दो मेथड्स हैं, एक तो हम आर्टिफिशियली परफॉर्म करवा रहे हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम बात करें आपकी किसकी, कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड है, ये नेचुरल मेथड के थ्रू कई सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करवाए जाते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वी यूज़ और वी रिक्वायर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वो पार्ट जिससे हम एक नया प्लांट बना रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहलाता है। तो जब भी किसी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की आप बात कर रहे हैं तो हमारे प्लांट में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे भाई रूट्स में मिल सकता है, स्टेम्स में मिल सकता है, और ब्रांचेस की बात करें तो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो हमें यहाँ से गेन हो जाते हैं। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, नेचुरल मेथड में इन दीज मेथड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, या फिर हम इसको सोमैटिक पार्ट्स भी कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स को हम और कैसे जानते हैं, सोमैटिक पार्ट के नाम से भी जानते हैं। किस पार्ट के नाम से जानते हैं? सोमैटिक पार्ट के नाम से जानते हैं। सोमैटिक मतलब जो कि सेक्स से कनेक्टेड नहीं है, या फिर सेक्स सेल्स को छोड़ के हमारी बॉडी में जितने सेल्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स ही होते हैं। तो बेसिकली इन द नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स ऑफ द प्लांट डिटैच फ्रॉम द प्लांट बॉडी ऑफ द मदर एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट अंडर एनी सूटेबल कंडीशन, मतलब किसी भी सूटेबल कंडीशन के अंदर उसको हम क्या करवा देते हैं, ग्रो करवा देते हैं। कोई भी सोमैटिक पार्ट को लीजिए, उसको नेचुरल जो पार्ट है उससे मतलब जो हमारा मेन प्लांट बॉडी है उससे ब्रेक कीजिए, एक नए प्लांट में ग्रो करवा दें, मतलब एक नई एरिया में, नए स्पेस में, फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ग्रो करवाना शुरू करें, तो हमारा जो प्लांट है वो हमें इजीली मिल जाएगा। तो बेसिकली जब भी आप नेचुरल मेथड की बात करेंगे तो कोई भी प्लांट का पार्ट हो सकता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। जैसे टैप रूट की बात करें, और आपके पास दो तरीके की रूट्स होती हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स में, क्योंकि हमें सेक्स सेल्स को छोड़ के हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बात करी किसकी, हमारे टैप रूट की और हमारे एडवेंटिशियस रूट की। तो दोनों के दोनों आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्ट ले सकते हैं। सबसे पहले टैप रूट की बात करें तो मतलब एक बर्ड इसमें से डेवलप हो जाती है जिसको हम एडवेंटिशियस बर्ड कहते हैं, और यही एडवेंटिशियस बर्ड एक नए प्लांट की तरह ग्रो कर ली जाती है। क्लियर? मतलब रूट में जो टैप रूट है उस टैप रूट में एक छोटा सा बर्ड निकलेगा जिसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, और ये जो एडवेंटिशियस रूट है आपका, ये एडवेंटिशियस रूट बर्ड को निकाल के एक नए प्लांट के पार्ट को ग्रो करवा देगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपका एग्जाम्पल इन सब के गुआवा है, आपका दलबरगिया जिसको शीशम हम कहते हैं, ये सब ग्रो करवा देते हैं इस मेथड के थ्रू। उसके बाद जो हमारी फ्लैशी रूट्स हैं जो कि एडवेंटिशियस रूट से डेवलप हुई हैं, वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की तरह वर्क कर जाती हैं। मैंने क्या बोला, मैंने फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारी जो फ्लैशी रूट्स होती हैं जो कि एडवेंटिशियस बर्ड से ग्रो करी हैं, वो भी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल की तरह ही ग्रो करने का काम करती हैं। और ये जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल की तरह ग्रो करने का काम कर रही हैं, इसमें हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स क्या आ जाते हैं, हमारा स्वीट पटाटो है, ट्रोपियाका है, ये सब प्लांट्स ऐसे हैं, डहेलिया है, स्पेरेगस है, ये सब भी इन पार्ट्स के थ्रू ग्रो करवा लिए जाते हैं। तो सिंपल बात करें भाई, रूट की हेल्प से आप कोई भी नया प्लांट जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ही कौन सा मेथड समझा रही हूँ, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
सबसे पहला पार्ट था हमारा रूट, दूसरा है हमारे, क्योंकि इसको रीड करना है दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इन द कैपिटल फॉर्म. स्टेम में भी हम सबसे पहले एक पार्ट समझेंगे दैट इज योर अंडरग्राउंड स्टेम. हमारा वो पार्ट है जिसमें हमारा जो स्टेम है वो बेसिकली हमें ग्राउंड के अंदर मिलेगा, तो उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम में कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी में भी हमने पढ़ा है कि एवरी पार्ट विच इज़ ग्रोइंग इन अंडर द ग्राउंड इज़ नॉट अ रूट, रूट नहीं होता है. क्यों? क्योंकि कई जगहों पर हम स्टेम भी देखते हैं. स्टेम कैसे पता चलता है कि भाई वो स्टेम ही है, तो हम क्या जवाब देते हैं, एस इन द स्टेम देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ नोड्स एंड इंटरनोड्स. हमारे स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स की प्रेजेंस होती है, और यही नोड और इंटरनोड की प्रेजेंस होने की वजह से हमारे जो कुछ अंडरग्राउंड पार्ट हैं वो स्टेम ही होते हैं बल्कि रूट नहीं होते. मतलब इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफिकेशन दे पाते हैं. तो जब भी आप बात करते हैं हमारे अंडरग्राउंड स्टेम की, तो अंडरग्राउंड स्टेम भी हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं और एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह एक्ट करने का काम करते हैं. मैं यहाँ पर नाम दे रही हूँ, स्ट्रक्चर को समझा रही हूँ और उसका एग्जाम्पल लिखूँगी. तो सबसे पहले हमारे पास है ट्यूबर्स. ट्यूबर्स मतलब एक स्वेलोइन स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम में हमने किसकी बात करी, ट्यूबर की. ट्यूबर क्या है भाई, ट्यूबर हैव बड्स ओवर देयर नोड्स और आईज. मतलब आपने एक पोटैटो, मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो आलू के ऊपर, जैसे ये मेरा आलू है, इसके ऊपर हमें छोटे छोटे होल्स दिखते हैं जिसको हम आईज ऑफ पोटैटो कहते हैं. आईज ऑफ पोटैटो का क्या मतलब है, आईज ऑफ पोटैटो का मतलब है हमारे पोटैटो के ऊपर जो होल्स होते हैं वही आईज कहलाते हैं, एंड दीज आर द नोड्स. और इसी ट्यूबर को हम मतलब बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ईजिली क्या करवा देते हैं, ग्रो करवा देते हैं. तो मैंने क्या बोला, ट्यूबर्स हैव बड्स ओवर देयर नोड्स या फिर आईज. बड्स प्रोड्यूसेस न्यू प्लांटलेट्स व्हेन स्टेम ऑफ ट्यूबर और अ पार्ट ऑफ हैविंग एन आई इज प्लेस्ड इन द सॉइल. मतलब अगर इस आलू को मैंने क्या रिपीट किया, मैंने बोला इफ द ट्यूबर विल ग्रो इनटू द न्यू प्लांट इफ द आई विच इज प्रेजेंट ऑन द ट्यूबर इज कट एंड ग्रो इनटू द सॉइल. ओके, ये मैंने कट किया डिफरेंट पार्ट्स में कट करके इसको किस में ग्रो करा दिया, सॉइल में ग्रो करवा दिया. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितने ट्यूबर्स बन जाएंगे आपके, 6 ट्यूबर्स बन जाएंगे. मतलब हमारा पोटैटो का जो आई है, जो नोड है, अब मैंने वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल की बात करी तो नोड ही एक वो पार्ट है हमारे प्लांट का जो कि एक नए पार्ट में इजीली कन्वर्ट करवाया जा सकता है. तो जब भी आप किसी भी प्लांट के पार्ट को एक नए पार्ट में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट करवाने के लिए उसमें मतलब किसी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल का होना ज़रूरी है. और यही वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल हमारा किसकी तरह एक्ट करता है, मतलब ट्यूबर में आए वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल की तरह एक्ट करता है. सॉइल के अंदर कट करके डाल दीजिए और कुछ टाइम के बाद ये एक नया प्लांटलेट जो है वो बना देगा. दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास बल्ब्स. बल्ब्स जो है ये अंडरग्राउंड कंडेंस शूट होती है जिसमें एक से ज़्यादा बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. मैंने क्या बोला, जो बल्ब्स हैं ये अंडरग्राउंड कंडेंस शूट है. शूट मतलब वही स्टेम, तो ग्राउंड के अंदर एक कंडेंस्ड शूट. ये कंडेंस्ड शूट आपका सिंपल क्या कहते हैं, एक से ज़्यादा बर्ड्स को अपने अंदर रखती है, और ये बर्ड जो हैं बल्ब्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर देती हैं. एग्जांपल क्या है, बल्ब आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखे हैं, बल्ब्स. एग्जांपल इज़ योर अनियन, गार्लिक, सब आपको इजीली मतलब मॉडिफिकेशन था ये हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था लीफ का. और दूसरी बात करें आपकी किसकी, हमारे अनियन की ही और गार्लिक की, तो कंडेंस्ड शूट बना देता है, और कंडेंस्ड शूट जो है कई सारे बर्ड्स अपने अंदर इकट्ठा रखता है.
क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें, बल्ब का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ये इस तरीके से लाइक ये लीव्स हैं, ये नीचे स्टेम वाला पार्ट होगा, ये ऊपर बर्ड्स लीफ होगी, ये क्या कहलाता है आपका, बल्ब कहलाता है। क्लियर। बल्ब के बाद हम आगे बढ़े तो थर्ड पार्ट है हमारा कॉर्म। कॉर्म, कॉर्म क्या होता है भाई, तो ये भी एक अनब्रांच्ड स्वेलो इन अंडरग्राउंड स्टेम है, मतलब ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है लेकिन ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होती है, क्योंकि स्टेम की खासियत है, हम जानते हैं कि स्टेम भी ब्रांचेस में कन्वर्ट करवा दिया जाता है, मतलब स्टेम ही ब्रांचेस में कन्वर्ट करवा दिया जाता है, तो स्टेम की खासियत हम ब्रांचिंग भी जानते हैं, लेकिन कॉर्म एक ऐसा पार्ट है जो कि ब्रांचिंग को शो नहीं करता लेकिन स्वेलो इन पार्ट है। तो क्या बोलते हैं, अनब्रांच स्वेलो इन अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें सर्कुलर नोड्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, और यही सर्कुलर नोड्स जो हैं, इसमें से डॉटर प्लांट निकलता है और ग्रो कर जाता है। एग्जाम्पल आपका जमीकंद है, कोलोकेशिया है, एग्जाम्पल जमीकंद एंड कोलोकेशिया। तो ट्यूबर्स हैं, बल्ब्स हैं और आपके कॉम हैं। एग्जाम्पल सबके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर थर्ड है हमारा राइजोम्स। राइजोम भी हमने मोर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। फोर्थ इज योर राइजोम। राइजोम ब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम ही होता है, और बेसिकली जो कि फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखता है ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस को कोप करने का काम कर सके। एग्जाम्पल भी इसके बहुत ही कॉमन है, जिंजर है, जिंजर के बाद आपका टर्मरिक है, जिंजर टर्मरिक, जिंजर एंड टर्मरिक आर द एग्जाम्पल। मतलब जिंजर का स्ट्रक्चर अभी आपका भी आपने देखा हो तो इस तरीके का होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके की हमारी क्या होती है, ये नोड्स प्रेजेंट होती हैं इसके ऊपर। नोट्स प्रेजेंट होती हैं, एग्जाम्पल आपका जिंजर टर्मरिक, ये सब देखने को हमें इसमें मिलते हैं। क्लियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो पूछा जाता है अबाउट द वन मोर स्ट्रक्चर, मतलब वन मोर प्लांट, दैट इज़ बनाना। मतलब जब भी आप बनाना की बात करते हैं तो बनाना क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डू बनाना ग्रो, मतलब जो बनाना है वो कैसे ग्रो करता है, तो बनाना ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ राइजोम। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बनाना और जिंजर, मतलब हाउ डू बनाना एंड जिंजर रिप्रोड्यूस, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमारे किसके थ्रू, अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू, राइजोम के थ्रू रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं। फिफ्थ है आपका सकर्स। सकर्स की बात करें तो एक सिलेंड्रिकल आउटग्रोथ होती है हमारे ब्रांचेस, जो कि हमारे एरियल मतलब जो बेस वाला पार्ट है किसी भी, जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट का ये रूट है, इस रूट के बेस से निकलते हैं आपके कौन, सकर्स। तो जब भी आप सकर्स की बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल अंडरग्राउंड ब्रांच है जो कि बेस ऑफ एरियल शूट, मतलब जो शूट का बेस है उससे अराइज होती है, कुछ डिस्टेंस तक अंडरग्राउंड ग्रो करती है और फिर उसके बाद टूट के एक नया प्लांट बना देती है। और सकर का एग्जाम्पल हमारे पास है मिंट और क्राइसेंथेमम। सकर फिफ्थ पार्ट है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर ये मेरा स्टेम है तो उस स्टेम का जो बेस है जो कि रूट बनाता है, इससे एक लेटर अंडरग्राउंड पार्ट जो है वो ग्रो करता है, यही क्या होता है हमारा सकर। एग्जाम्पल मिंट एंड क्राइसेंथेमम। तो जब भी आप बात करते हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अंडरग्राउंड स्टेम की, तो अंडरग्राउंड स्टेम में हमने पांच स्ट्रक्चर्स पढ़े, ट्यूबस, बल्ब्स, कॉम, राइजोम और सकर्स। ट्यूबस पोटैटो एग्जांपल देते हैं, बल्ब्स का अनियन और गार्लिक है, कॉम का जमीकंद एंड कोलोकेशिया है, राइजोम में जिंजर टर्मरिक ले लेते हैं, और सकर्स की बात करें तो मिंट या फिर क्राइसेंथेमम। एग्जांपल्स कई सारे होते हैं लेकिन जो पूछे जाते हैं या जो कॉमन एग्जांपल हैं जो डेली लाइफ में हम समझ सकते हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्लियर।
आगे अंडरग्राउंड स्टेम्स के बाद होती हैं हमारी क्रीपिंग स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब जो स्टेम हमारे प्लांट ज़मीन के नीचे थी, ग्राउंड के अंडर प्रेजेंट थी, वो थी हमारे अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब दूसरा पार्ट जो है हमारा वो क्या है, इसी अंडरग्राउंड स्टेम के बाद दूसरा क्रीपिंग स्टेम्स। क्रीपिंग स्टेम्स समझेंगे आप क्रीपिंग स्टेम्स के बारे में भी। जब भी आप क्रीपिंग स्टेम्स की बात करते हैं तो क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगने वाला, मतलब जो इरेक्ट खड़ा नहीं रह सकता, सीधा खड़ा नहीं रह सकता, बल्कि क्रीप करता हो, मतलब रेंगने का काम करता हो या किसी का सपोर्ट लेके चलने का काम करता हो, वही हमारा स्ट्रक्चर क्रीपिंग कहलाता है, या फिर क्रीप मतलब वही रेंगने वाले स्ट्रक्चर्स। तो क्रीपिंग में सबसे पहला है आपका रनर, फिर है आपके स्टोलन, फिर है आपके ऑफसेट। तीन पार्ट हैं, फर्स्ट इज योर रनर, सेकंड है आपका स्टोलन एंड थर्ड इज योर ऑफसेट। तीनों का वही पार्ट है जो कि आपका सिंपल बोले जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल दे देती हूँ, आपका रनर में लॉन ग्रास है या फिर आपका साइनोडॉन की बात करते हैं हम, ऑक्सैलिस भी आ जाता है, स्टोलन में स्ट्रॉबेरी या वेलिशनेरिया और ऑफसेट में आपका एकॉर्निया पिस्टस। तो रनर का एग्जांपल हमने सबसे पहले क्या दिया, रनर का एग्जाम्पल हमने दिया सबसे पहले या तो लॉन ग्रास या फिर ऑक्सैलिस। यहाँ पर आपका स्ट्रॉबेरी या फिर आप दूसरा एग्जांपल दे दीजिए ऑक्सैलिस, और इसका एग्जांपल है आपका आइकॉर्निया। या फिर पिस्टस, सॉरी पिस्टिया, आइकॉर्निया पिस्टस या फिर पिस्टिया। मतलब बेसिकली रनर है, स्टोलन है, ऑफसेट है, ये होते क्या हैं अब समझ लेते हैं। रनर जो है एक पतली ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है, वही हॉरिजॉन्टल ही बोलेंगे क्योंकि क्रीपिंग पार्ट अभी इरेक्ट नहीं हो सकती। तो एक ग्रीन कलर की थिन पतली, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती, नैरो ही होती है, एक ब्रांच है जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है जो कि आपके जो रूट है उसके क्राउन से, मतलब जो रूट का सबसे टॉपेस्ट पार्ट होता है उस पार्ट से ग्रो करता है, वही स्टेम हमारा क्या कहलाता है, या फिर वही पार्ट हमारा क्या कहलाता है, रनर कहलाता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, ये मेरा प्लांट है, इस प्लांट का ये रूट का क्राउन है, क्राउन से निकलने वाला स्ट्रक्चर क्या है, रनर, मतलब रूट का क्राउन। क्या बोला मैंने, रनर इज द नैरो पतली ग्रीन सिलिंड्रिकल ब्रांच है, भाई स्टेम है तो सिलिंड्रिकल ही होगी, क्लियर, एक सिलिंड्रिकल ब्रांच है जो कि आपका हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है हमारे रूट के क्राउन वाले पार्ट से, और एक नया प्लांट जो है वो बना देती है। अगर रनर्स को ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो
तोड़ने पर ये प्लांट और ग्रो कर जाता है इंस्टेड कि ख़त्म हो। तो ये खासियत होती है हमारे किसकी, वेजिटेटिव प्रपोगेशन की। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोलन की। जो स्टोलन है ये एरियल ब्रांच है हॉरिजॉन्टल, और जो कि जो हमारा बेस है क्राउन, मतलब क्राउन का जो बेस है उससे ग्रो करती है। ये क्राउन के टॉपेस्ट पार्ट से ग्रो कर रही है। रनर की हमने बात करी थी, मतलब बेस ऑफ द क्राउन, और रूट का सेम चीज़ हमारी किसके साथ है, स्टोलन के साथ है। ये हॉरिजॉन्टल रन करती है और एक बेस ऑफ क्राउन से ग्रो करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बिल्कुल रनर की तरह ही बनाती है। एग्जाम्पल इसका वेलिशनेर आपका स्ट्रॉबेरी है, और स्ट्रॉबेरी के अलावा ऑक्सैलिस नहीं है, वेलिशनेरिया है। ऑक्सैलिस एंड वेलिशनेरिया, ओके। तो ऑक्सैलिस एंड वेलिशनेरिया आर द एग्जाम्पल। ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट का भी कुछ यही है, ये एक एलोंगेटेड नोड होता है। ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट हमारा क्या है, एक एलोंगेटेड नोड है। वही एलोंगेटेड नोड आपका क्या कहलाता है, सिंपल ऑफसेट कहलाता है। तो दीज आर इंटरनोड लॉन्ग रनर दैट अकर्स इन सम एक्वेटिक प्लांट, ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट में ही मिलते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया आइकॉर्निया पिस्टस और पिस्टिया का एग्जाम्पल। दोनों के दोनों हमारे कैसे प्लांट हैं, एक्वेटिक प्लांट है। इसको हम वाटर हाइसिंथ कहते हैं। कब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, वाटर हाइसिंथ, और ये कहलाता है आपका वाटर लेट्यूस। एक है वाटर हाइसिंथ और दूसरा है आपका वाटर लेट्यूस। तो अंडरग्राउंड स्टेम के बाद हमने क्रीपिंग स्टेम पढ़ी। क्रीपिंग स्टेम मतलब जो कि इरेक्ट नहीं होगी बल्कि क्रीप करती हुई हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी। तो तीनों हॉरिजॉन्टल ही हैं, सबसे पहले रनर है, फिर आपके स्टोलन ऑलमोस्ट सिमिलर है, एग्जाम्पल अलग है, और ऑफसेट हमारे पानी एक्वेटिक प्लांट में मिलता है या फिर एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है। उसके बाद हमने बात करी आपके सब क्रीपिंग बात हो गई। क्रीपिंग के बाद हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है, सबसे पहला रूट पड़ा, दूसरा स्टेम पड़ा, तीसरा क्रीपिंग स्टेम पड़ा, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम के बाद क्रीपिंग स्टेम, 1, 2, 3। अब हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारा एरियल स्टेम। एरियल स्टेम या फिर रूट्स की बात करें तो ओपनशिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और आप सिंपल बात करें शुगर केन को भी हम प्रोपोगेट करवाते हैं स्टेम के थ्रू ही। तो स्टेम के थ्रू मतलब वही सिंपल कोई भी पार्ट जिसके अंदर नोड प्रेजेंट हो उसको ग्रो करवा दें, तो उसको ग्रो करवाने पर एक नया प्लांट जो है वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले रूट पड़ा, रूट के बाद हमने दूसरा पार्ट एरियल शूट में फ्लैशी फिलोक्लेड्स आंसर है। किसके एग्जांपल, ओपनशिया। एग्जांपल क्या है हमारे, ओपनशिया। क्लियर। एरियल शूट के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है लीव्स। लीव्स का एग्जांपल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एग्जाम्पल इज योर ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहली तो क्या कि सिंपल हमारे जो बर्ड्स होती हैं वो एडवेंटिशियस बर्ड्स बेसिकली प्लांट के किसी भी पार्ट से ग्रो कर जाती हैं और फिर एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करवा देंगी। क्लियर। तो लीव्स के थ्रू भी हो जाता है। लास्ट हम बात करें बल्बिल्स के थ्रू, तो बल्बिल्स भी बल्ब वाला पार्ट है। एग्जाम्पल इसका याद रखने लायक है, एक तो ऑक्सैलिस और दूसरा है हमारा अगेव।
एनसीईआरटी में भी गिवन है बल्बिल ऑफ अगेव, तो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ऑक्सैलिस जो है, बल्ब्स जो हैं, बल्ब्स के थ्रू कौन सा पार्ट आपका ग्रो करता है, तो हम क्या जवाब दे देते हैं, अगेव। और वैसे ऑक्सैलिस भी इसका एग्जांपल है। ऑक्सैलिस के अलावा पाइनएप्पल की बात करें तो ये भी इसी तरीके से ग्रो करते हैं। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या था, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल मेथड के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलेगा आपका क्या, सिंपल बात करें तो हमारा आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, जिसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं बता देती हूँ। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्ट, तीन पार्ट्स हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत ही ईजी सा पार्ट है। कटिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी कट पीस, रूट, स्टेम का, लीफ का, जिसके अंदर आपका एक नोट का प्रेजेंस जो है वो मस्ट है, अगर प्रेजेंट है उसको आप किसके अंदर डाल दें, सॉइल के अंदर डाल दें, एक नया प्लांट जो है वो ईजिली ग्रो कर जाएगा। इसके साथ साथ हम कई जगहों पर रूट इंड्यूसिंग जो हमारे केमिकल्स हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे पास एक शुगर केन है, ये नोड है, इसको मैं सॉइल के अंदर डाल दूं तो यहाँ से हमारे रूट्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, यही प्रोसेस कहलाता है कटिंग। लेयरिंग में आपका जो प्लांट है वो कुछ टाइम तक ग्रो करता है, बिकॉज ऑफ मतलब एक इरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है तो जो पार्ट है वो नीचे ग्रो करेगा, जो शॉर्ट या सॉफ्ट टिप होता है वहाँ से आपके रूट बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं और एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, पुराना प्लांट ख़त्म हो जाता है, यही प्रोसेस कहलाती है आपकी लेयरिंग। लेयरिंग के बाद तीसरा पार्ट हमने बात करा किसका, ग्राफ्टिंग का। तो ग्राफ्टिंग में हम दो प्लांट्स के स्टॉक को और ग्राफ्ट, ये साइन कहलाता है या फिर ग्राफ्ट कहलाता है, ये कहलाता है आपका स्टॉक। तो साइन को स्टॉक के ऊपर अटैच करते हैं, स्लैंटिंग कट लगाते हैं और यहाँ से नई रूट्स अराइज होके एक बेटर प्लांट बना देती है, जिसके अंदर दोनों तरीके के कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो जब भी हम बात कर रहे हैं आपकी कटिंग की, लेयरिंग की या फिर क्राफ्टिंग की, तो आर्टिफिशियल मेथड है, इसमें हम किसी भी अच्छे प्लांट का जिसके कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है, उन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्या कर देते हैं, एक नया प्लांट का पार्ट जो है वो ग्रो करवा देते हैं। क्लियर? तो तीन मेथड्स हैं, कटिंग है, थर्ड है आपका लेयर, सेकेंड आपका लेयरिंग है और थर्ड आपका ग्राफ्टिंग है। ये सब हम हॉर्टिकल्चर, आर्टिफिशियल मेथड को हम हॉर्टिकल्चर भी कहते थे, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। और इस मेथड को हमें यहाँ नहीं पढ़ना, बल्कि हमारा ही ह्यूमन हेल्थ थर्ड यूनिट जो है हमारे पास, उसी यूनिट में हमें ये वाले पार्ट को कंप्लीट करना है। क्लियर? तो ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन के बाद, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बाद आपका टिश्यू कल्चर है, और इसी टिश्यू कल्चर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें शुरू करना है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल के सबसे पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, और उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।